राष्ट्रीय कामधेनु आयोग बीते दिनों एक चिप लॉन्च करते हैं जिसका नाम होता है गोबर चिप। दावा किया जाता है कि इससे मोबाइल हैंडसेट्स का रेडिएशन काफी हद तक कम हो जाता है। आयोग के अध्यक्ष वल्लभ भाई कथीरिया ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हमने देखा है कि मोबाइल के साथ इस चिप को रखते ही रेडिएशन काफी हद तक कम हो जाता है। बीमारी से बचना है तो आगे आने वाले वक्त में यह काम आने वाला है। पर क्या वाकई गाय के गोबर से बना चिप मोबाइल फोन से निकलने वाले रेडिएशन को कम कर सकता है? इसी सवाल के साथ इस बीच वैज्ञानिकों ने भी इस मामले पर सबूत मांगे हैं। करीब 600 वैज्ञानिकों और विज्ञान के शिक्षकों ने राष्ट्रीय कामधेनु आयोग के अध्यक्ष वल्लभ भाई कथीरिया को पत्र लिखकर कहा है कि वह गोबर के चिप से मोबाइल फोन रेडिएशन कम करने में मदद संबंधी अपने दावों को साबित करके दिखाए और वो साथ ही सबूत भी पेश करे। इंडिया मार्च फॉर साइंस की मुंबई शाखा ने एक बयान में कहा कि वैज्ञानिकों ने यह जानकारी मांगी है कि संबंध में वैज्ञानिक प्रयोग कब और कहां हुए, इसके साथ ही इन एक्सपेरिमेंट्स के दौरान मुख्य जांचकर्ता कौन था। उन्होंने यह भी पूछा कि संबंधी अध्ययन के परिणाम कहां प्रकाशित हुए। हालांकि इस दिवाली पर चीन से निर्मित उत्पादों का बहिष्कार करते हुए राष्ट्रीय कामधेनु आयोग ने कामधेनु दीपावली अभियान चलाने की घोषणा की थी। अध्यक्ष कथीरिया ने यह भी कहा था कि गोबर के दिए, शुभ लाभ और अन्य वस्तुएं सभी लोग इस्तेमाल में लाए। उन्होंने ये भी कहा कि गाय के गोबर से ही सबकी रक्षा होगी, ये सब कुछ घर में आएगा तो घर रेडिएशन फ्री हो जाएगा। इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें TV9 भारतवर्ष। यू स्टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।